जैसा कि बैकग्राउंड देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सालों से बरेली की शोभा में चार चांद लगाने वाले बरेली कॉलेज में। हाल ही में इस कॉलेज ने अपने 185 वर्ष भी पूरे कर लिए। दरअसल अभी बीते कुछ दिनों एक मामला सामने आया है जहां पर ये बात कही गई है कि यहां पर मास कम्युनिकेशन के छात्रों के एग्जाम हो गए और कॉलेज को भनक तक नहीं लगी, और साथ ही बच्चों को भी पता नहीं चला, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला मामला सामने आया। तो इसी बारे में हम यहाँ बात करने आए हैं और पता करेंगे कि आखिर ये मामला पूरा है क्या। बात ये हुई थी यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है जिसकी वजह से जो ईयरली एग्जाम होते थे वो सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं। अब इस बारे में ना ही बच्चों को पता चला और ना ही कॉलेज वालों ने कोई नोटिस जारी किया, जिसकी वजह से बच्चे वेबसाइट पर फॉर्म भर रहे थे और उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दो दिन तक बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो पाए, साइट नहीं चली। अब उसके बाद बच्चों ने यहाँ के HOD से शिकायत करी, जिसके बाद कोई सॉल्यूशन ढूंढा गया है। पूरा मामला क्या है यहाँ के जर्नलिज्म विभाग के HOD से हम बात करके जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो लापरवाही या इस तरीके की बातें आई हैं ये सब बेकार की बात है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो बच्चों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि ये कोर्स जो है बरेली कॉलेज बरेली में जो चलता है वो वार्षिक यानी ईयरली मोड में चलता है, और इसके फॉर्म भी जो थे सब ईयरली मोड में ही भरे जाते हैं। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये डाटा जो था वो ईयरली मोड से सेमेस्टर में किसी तरह से ये टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से उसमें शिफ्ट हो गया। जब ये प्रॉब्लम सामने आई, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे बच्चों के, वो फॉर्म नहीं खुले थे। अब बच्चों को तो ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब ये सामने आई कि इस कोई ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसके वजह से जो है इनके फॉर्म जो हैं या इनकी इन्फॉर्मेशन जितनी है या जो डाटा है वो सब उसमें चला गया है सेमेस्टर में, तो वो प्रॉब्लम यहाँ से दूर कर दी गई। कॉलेज से एक लेटर जारी किया, इशू किया गया और वहाँ उनसे बात करके वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो गई और इनके फॉर्म ओपन हो गए और फॉर्म सारे भर गए। तो ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि भविष्य खराब हो गया या इस तरीके की बात है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरीके से गलती मैसेज गया है। सर, ये भी कहा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो अभी जो ईयरली एग्जाम थे ये भी सेमेस्टर वाइज होने थे, पर कॉलेज ने नोटिस जारी नहीं किया जिसकी वजह से, मतलब कॉलेज ने लापरवाही की जिसकी वजह से बच्चे परेशान हुए और उसके बाद शिकायत की गई तो सॉल्यूशन ढूंढा गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये मोड जो है ये डिप्लोमा जितने चल रहे हैं वो ईयरली मोड में ही अभी फिलहाल हैं। जो एजुकेशन जो ग्रेजुएशन या जो भी हैं वो सेमेस्टर में चेंज हुए हैं, ये अभी सेमेस्टर में चेंज नहीं हुए हैं। जब भी चेंज होंगे यूनिवर्सिटी जारी करेगी कॉलेज की तरफ, तो वो अपने आप सब ये भी सेमेस्टर में चेंज हो जाएंगे जब भी होगा। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर, तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि भ्रम फैलाया जा रहा था, सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बच्चों के फॉर्म खुल नहीं रहे थे और एग्जाम जैसे पहले होने थे वैसे ही ईयरली मोड में होंगे। हाँ, ये केवल एक भ्रम था और कुछ नहीं था, ये ईयरली एग्जाम ही होंगे, ईयरली मोड में ही इनके फॉर्म भरे गए हैं, सब फॉर्म भर गए हैं, सब लोगों ने जमा भी कर दिए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ईयरली मोड में ही होगा ये सब। क्या नाम है आपका? संस्कृति। संस्कृति भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है, क्या मामला था, इनको किस तरह की परेशानी हुई। तो संस्कृति, क्या आपको वाकई में बहुत परेशानी हुई या फिर कॉलेज की तरफ से कोई लापरवाही जैसी बात थी? कॉलेज की वजह से कोई लापरवाही की वजह से नहीं थी, बस ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी एक, जो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति से हो सकती थी। हम लोगों का जो पढ़ाई हो रही थी वो बाखूबी, बहुत मेहनत से सर ने हम लोगों को पढ़ाया, हम लोगों के एग्ज़ाम भी हो रहे थे, नोटिस मतलब अभी हम लोगों की साइट भी ओपन हो गई है और आज हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म की सबमिट करने की लास्ट डेट भी, और हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग अपना कॉलेज का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर सकें। बस ये थोड़ा सा ये था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, बस थोड़ा लेट हो गया था, और ये हमारा ईयरली कोर्स है। अच्छा, तो आप डिप्लोमा कर रही हैं यहाँ से? जी। थोड़ा अपने डिप्लोमा के बारे में बताएंगी कि मतलब कैसे, और एक ईयर का कोर्स है जैसा कि आप बता रही हैं? हाँ, ये फर्स्ट ईयर का मतलब एक ईयर का कोर्स है, और हमारे कोर्स में मतलब सर हमारे HOD सर हैं, ये बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया है, डेवलप किया है, जो भी इसमें था थ्योरी प्रैक्टिकल वो बाखूबी कराया है, और हम लोग भी उसी मेहनत से पढ़ रहे हैं। बस ये है कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम को लेके थोड़ा वो था, वो हर बच्चे के अंदर थोड़ी टेंशन आ जाती है, क्योंकि बच्चे अपना फ्यूचर देखते हैं, तो बस ये होता है कि बच्चे थोड़ा हाइपर हो गए थे, लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये बस खाली भ्रम फैला रहे थे कि हाँ ये बच्चों के साल बर्बाद हो जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा जो भी था, लेकिन तो 100 बात के एक बार सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है और आप सॉल्यूशन से सहमत हैं? जी, ये सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है और इस सॉल्यूशन से सारे बच्चे सहमत हैं।
जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, जर्नलिज्म विभाग के एचओडी और संस्कृति से बात करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि कॉलेज की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है, तो ये एक तरीके का भ्रम था। कॉलेज की तरफ से कोई लापरवाही नहीं थी और ये एक टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से वेबसाइट पर फॉर्म ओपन नहीं हो रहे थे। हालांकि अब सर ने बताया है कि समस्या का समाधान करा जा चुका है और सारे बच्चे इस सॉल्यूशन से खुश हैं और वे अपने फॉर्म भर चुके हैं। मेघा गंगवार, कैमरामैन अभिषेक के साथ द लीडर हिंदी।